उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जिससे रिलेटेड अलग अलग सिद्धांत भी सामने आए। जहां आपने पढ़ लिया है, कौन कौन सिद्धांत पढ़े आपने? गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत, जो कि प्रोफेसर मार्शल की देन है। उसके बाद आपने क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत भी पढ़ा, जो कि हिक्स और एलन की देन है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे और भी अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार को समझा, उनके मांग, उनकी उपयोगिता, वस्तु और सेवाओं के उपभोग करने के क्रम को समझा, उसकी उपयोगिता को समझा और उस आधार पर अपने विचार दिए और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऐसे में प्रोफेसर सैमुएलसन भी थे, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने भी अपने विचार उसमें दिया और उन्होंने भी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत को हम उद्घाटित पसंदगी का सिद्धांत कहते हैं। उद्घाटित पसंदगी का सिद्धांत का मतलब होता है, यहाँ पर उपभोक्ता की पसंद मायने रखती है कि उपभोक्ता जब किसी दो वस्तुओं का चयन करता है तो किस वस्तु पर अपना ज़्यादा पसंद जाहिर करता है। क्योंकि उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु जब खरीदने जाता है ना, कीमत से ज़्यादा उसकी पसंद निर्भर करती है कि वो क्या, क्योंकि अगर उसकी पसंद में आ गया तो महंगा सामान भी खरीद सकता है। उसकी पसंद के अनुसार ही विकल्प बनते हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं की पसंद को, यानी कि उपभोक्ताओं की डिज़ायर के से ज़्यादा उपभोक्ता की पसंद को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इस बात को कहते हुए सैमुएलसन ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक्चुअली में ये सिद्धांत वास्तविकता के पास भी है ज़्यादा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने सिद्धांत थे, उसकी कुछ मान्यताएं थी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, उपभोक्ता आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई, आय में तो परिवर्तन होता ही रहता है, आय को आप स्थिर नहीं रख सकते। जबकि हमने दोनों ही स्थितियों में देखा, क्रमवाचक और गणनावाचक दोनों ही ये कहा था मान्यता, उपभोक्ता की रुचि आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबकि सैमुएलसन के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, उन्होंने वास्तविकता के पर रखा कि परिवर्तन तो होता ही रहता है। तो जब उद्घाटित पसंदगी सिद्धांत की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में रिवील प्रिफ्रेंस थ्योरी कहते हैं, प्रिफ्रेंस देना मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना। और किसको वैल्यू दिया जाता है? पसंद को। भाई, ये मेरी पसंद है, ये मेरी चॉइस है, मैं इसको ज़्यादा खरीदूँगा। जब अपनी पसंद की चीज़ हासिल कर लेता है तो उपभोक्ता तभी संतुष्ट होता है। उसकी संतुष्टि अधिकतम तभी होता है जब उसे लगता है कि उसने अपने मनचाहा वस्तु को हासिल कर लिया। ये नहीं देखेगा कि आप भाई यहाँ पर सस्ता मिल रहा है, मुझे ज़्यादा सामान हो गया, खुश हो जाएगा। नहीं, अगर सस्ते सामान से ज़्यादा लेकर भी अगर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो, उसकी पसंद पूरा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, बताइए। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार चॉइस। तो यहाँ पर मार्शल की गणनावाचक दृष्टिकोण विचार आया, हिस्क और एलन का जो है क्रमवाचक विश्लेषण आया, और इनके दोषों को ध्यान में रखा होते हुए बाद में प्रोफेसर सैमुएलसन ने 1948 में उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित कब किया? 1948 में। किसने किया? प्रोफेसर सैमुएलसन ने, और जिसे प्रकट अधिमान सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रकट पसंदगी सिद्धांत के नाम से। अधिमान का मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देना, प्रिफ्रेंस देना। प्रोफेसर सैमुएलसन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान करता है। यह उपभोक्ताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उसके व्यक्तिगत रूप से, उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करता है। यानी कि बाहर से कि रुपए के आधार पर, इसके आधार पर, उसके आधार पर, ये सब छोड़ के वैज्ञानिक अध्ययन किया। इसलिए इसको उपभोक्ता की मांग को आलोचनात्मक एवं व्यवहारवादी व्याख्या भी कहा जाता है। ये व्यवहारवादी है, ये आलोचनात्मक है, ये व्यवहार की समायोजन करते हुए यहाँ पर सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तापस मजुमदार ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि सैमुएलसन के इस सिद्धांत को व्यवहारवाद क्रम संख्यात्मक कहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार को ये क्रम प्रदान करता है, इसलिए इसको व्यवहारवाद क्रम संख्यात्मक के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत बाजार में हुए कीमत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। और देखा कि बाजार में कीमतें परिवर्तित रहती हैं, बाजार में अगर वस्तु की कीमतें परिवर्तित होंगी, इससे उपभोक्ता का व्यवहार भी परिवर्तित होगा। वो चीज़ों को खरीदने से पहले कीमतों को देखता है, अपने पसंद को देखता है, आय तो है ही है, अध्ययन करता है, और उन्हीं के आधार पर उपभोक्ता अधिमान के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। वो देखता है बाजार में वस्तुएं कैसी हैं, उसकी कीमतें कैसी हैं, उसके अनुसार उसकी पसंद जाहिर हो रहा ही नहीं आ रहा। जब इन सब चीज़ों को देखता है, तब जाके अपना
अपना एक अधिमान बनाता है, अपना प्रेफरेंस बनाता है कि हमें किस वस्तु को कितने रुपए में, उस पर कितना खर्च किया जा सकता है। इस नियम को व्यवहारवाद क्रम सूचक उपयोगिता सिद्धांत भी कहा जाता है और कभी कभी इसे तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल्य भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कई सारे नाम इसको मिले, इसलिए मिले हैं क्योंकि ये वास्तविकता के समीप है। तर्क के आधार पर इस सिद्धांत की वास्तविकता पता लगाया जा सकता है। ये सिद्धांत है क्या, क्या है इस सिद्धांत में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, यहाँ पर भी मान्यताएं हैं। क्या है, उपभोक्ता की रुचियों में परिवर्तन नहीं होता। ये सिद्धांत यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की जो रुचि है, पसंद है, वो किसी वास्तविक चीज़ों को पसंद करता है और पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना। उपभोक्ता का चयन उसके अधिमान को प्रकट करता है और यह अधिमान मजबूत क्रम और सफल क्रम पर आधारित होता है कि उसका अधिमान, उसकी पसंद, कि वो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करता है, उसके बाद किसको पसंद करता है, इसके अपने पसंद को एक क्रम प्रदान करता है। और ये क्रम जो है मजबूत भी होता है और सफल भी होता है, वास्तविक होता है, जहाँ उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रखा जाता है। दी हुई कीमत आय परिस्थिति में उपभोक्ता दो वस्तुओं की किसी एक संयोग का ही चयन करता है। यहाँ पर उपभोक्ता के पास आय होती है, उस आय के आधार पर अपने पसंद जो है उन पसंद का क्रम बनाता है और क्रम के अनुसार भी दो वस्तुओं को चयन करता है, अगर हम दो वस्तुओं की बात करते हैं तो। इसके अलावा किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता से अधिक मानों से संबंधित चयन दो अवलोकनों में टकराव नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपने पसंद के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अधिमान बनाता है, मतलब पसंद की क्रम बनाता है, तो उन पसंद के क्रम से संबंधित कोई भी दो संयोग एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। साथ ही जब किसी भी स्थिति में कम वस्तुओं की अपेक्षा अधिक वस्तुओं के संयोग के प्रति अधिमान, हमेशा उपभोक्ता चाहता है कि अगर उसके पसंद के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिलती है तो वहीं पर वो अपने पसंद को जाहिर करता है, अधिमान वही बनता है, संयोग वही बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सामंजस्य और सक्रमता की मान्यताओं पर आधारित होता है। लेकिन इन सब चीज़ों की बात होने में हमें यही पता होना चाहिए कि वास्तव में इस सिद्धांत के अनुसार है क्या, ये सिद्धांत क्या बोलता है। सैमुअलसन ने इस सिद्धांत की व्याख्या में क्या कहा, देखिए ये सिद्धांत एक सरल विचार है और इन्हें कहा कि जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु को एक एक या एक से ज़्यादा, दो दो से ज़्यादा वस्तु खरीदता है तो विशेष संयोग बनाता है और संयोग तभी बना पाएगा जब संयोग से रिलेटेड दो विशेष बातें वो ध्यान में रखता है। उपभोक्ता एक विशेष संयोग को दूसरे संयोग की, सॉरी सदस्य लिखा हुआ है, यहाँ पर संयोग होगा, दूसरे संयोगों की तुलना में अधिक पसंद करता है। यहाँ पर पहले वो पसंद देता है, देखता है कि जब वो क्रम बनाता है कि किस क्रम को वो अधिक पसंद करता है, किस क्रम के अनुसार उसकी वास्तविकता, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सबसे पहले वो अपनी पसंद को जाहिर करता है कि वो उसी वस्तु को खरीदेगा जिस वस्तु को, उस जिस वस्तु के संयोग उसको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। दूसरा, संयोग दूसरे की तुलना में सस्ता होता। दूसरी बात होती है, उपभोक्ता ये भी देखता है कि जो पसंद है, पसंद में कौन सी चीज़ उसको सबसे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। ये नहीं कि जो सस्ता हो और पसंद ना हो तो वो नहीं लेगा, जो पसंद आ रहा है उन दोनों में से क्या ज़्यादा सस्ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल खरीदने गए, समझ लेना इसको, समझ, हम मोबाइल खरीदने गए और मोबाइल जब खरीदने गए हमें आईफोन भी पसंद है, ठीक है, हमारा बजट है 150,000 का हमारा बजट है, ये हमारी आय है। अब हम आईफोन भी ले सकते हैं और सैमसंग का S22 या फिर S23 भी ले सकते हैं, दोनों में लगभग सेम ही चीज़ें होती, दोनों में लगभग दोनों ही प्रीमियम का फ़ोन होता है। अब ये दोनों हमारे पसंद है, पहला हो गया कि वो अपने पसंद को वरीयता देता है। जैसे मोबाइल और भी है, वीवो है, ओप्पो है, मैक्रोमैक्स है, पता नहीं कितने अटम सटम दबाम पर हैं, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता सबसे पहले अपनी पसंद को वरीयता देता है। सबसे पहला शर्त पसंद में आ गया कि आईफोन है और S22, S23 दोनों में से कोई भी एक चलेगा, चलो हटाओ यहाँ पर भी ऑप्शन लगा, S23 की बात कर लेते हैं। अब ये पहला जब ऑप्शन आ गया, अब वो देखते हैं इन दोनों में सस्ता कौन सा है, कौन सा संयोग उसका सस्ता बैठ रहा है, क्या वो आईफोन लेगा या फिर 23। तब यहाँ पर देखा उसको कौन कौन से फीचर्स के अकॉर्डिंग कितनी कीमत, अगर उसको सस्ता चाहिए तो देखेगा आईफोन के फीचर्स के कंपैरिजन में 23 का फीचर ज़्यादा है, बेस्ट भी है, अच्छा काम भी हो सकता है, तो फिर वो आईफोन की जगह इसको चूज़ करता है। इसका मतलब यहाँ इसको बोलते हैं पसंदगी का सिद्धांत। हम हमेशा उपभोक्ता के पसंद की तरफ जाते हैं और उपभोक्ता जब दो वस्तुओं के बीच में चूज़ करेगा तब वो देखेगा सस्ता कौन सा है,
दोनों में कीमत, क्योंकि कीमत मायने रखती है, सस्ता होता है तो उसी को वो ज़्यादा चूज़ करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जब हम बात करेंगे, जैसे संक्षेप में एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि उपभोक्ता के द्वारा किया गया चुनाव उसकी पसंद को व्यक्त करता है। जो भी उपभोक्ता हम मानते चूज़ करता है वो उसका चॉइस होता है, वो उसकी पसंद होती है। हर एक वस्तु को वो अपने पसंद के अनुसार चुनता है। आप देखेंगे दुकान में कोई जाता है, बहुत सारे सामान उसके सामने होता है, उसमें भी अपने पसंद को छाँट के निकालता है। फिर आप सब्जी भी खरीद कर, भैया ये दो, ये मत दो, ये ख़राब हो, तो हम अपने पसंद को सबसे सर्वोपरि रखते हैं। कीमत तो देना ही है, कीमत तो है ही है, लेकिन कीमत से हम अपने पसंद को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मान लीजिए ये बजट रेखा है ए और बी, ये हमारी क्या है, कीमत रेखा है। कीमत रेखा किस आधार पर बनती है, उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के आधार पर ये हमारे संयोग बन के हैं। अब इन संयोगों के में से उपभोक्ता की पसंद कौन सी है, उपभोक्ता किस पसंद को देखता है। अब एक उपभोक्ता की वाई की इतनी क्वांटिटी और एक्स की इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो ऐसे में जो संयोग बनता है वो सी बनता है, वो ऑप्शन सी को चूज़ करेगा, ना कि डी को, ना कि यू को। हम कहेंगे ई सस्ता है, ई ज़्यादा मिल रहा है, डी महंगा है, डी, ऐसा नहीं है। वो अपनी पसंद को वरीयता देता है। इसका मतलब होता है बिंदु सी पर एक उपभोक्ता का संतुलन तय हो जाता है। एक उपभोक्ता बिंदु सी पर अपने आप को ज़्यादा सहज और अपने पसंद को ज़्यादा काबिल समझता है कि यहाँ पर उसकी पसंद ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो रही है, तो वो बिंदु सी पर वस्तु वाई और वस्तु एक्स को खरीदने की कोशिश करेगा। वैसे संयोग और भी है, देखिए संयोग ए है, संयोग डी है, ये वाला भी है, संयोग ई भी है, लेकिन उसके लिए सी बेस्ट हो रहा है। अब हर एक उपभोक्ता के लिए अपना अपना अलग चॉइस होता है, हर एक उपभोक्ता के लिए अपने अपने अलग संयोग बनाता है। तो यहाँ पर उपभोग सिद्धांत के आधारभूत प्रेमे सैमुअलसन ने अपने हिसाब से मांग के बारे में बताया, उन्होंने मांग का नियम अपने सिद्धांत के अनुसार निकाला। और सैमुअलसन का मेन सिद्धांत उपभोक्ता की आय से जुड़ा हुआ है कि उपभोक्ता अपनी आय से अधिक प्रभावित होता है। सैमुअलसन अपनी आधारभूत प्रमेय में कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध इस मान्यता पर आधारित स्थापित किया है कि मांग की आय लोच धनात्मक होती है। मतलब कीमत और मांग के बीच का संबंध तय होता है आय से। उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो कीमत का प्रभाव कम पड़ता है, उपभोक्ता की आय कम होती है तो कीमत का प्रभाव ज़्यादा होता है, और उसी आधार पर ही वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच के संबंध को सैमुअलसन ने व्यक्त किया है। क्या कहा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में कमी होती चली जाती है उपभोक्ता की मांग में भी कमी होती चली जाएगी। इसका मतलब होता है, सैमुअलसन ने सिंपल कहा है, आय और मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है और दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं। आय बढ़ गई तो मांग भी बढ़ेगी, आय कम हो गई तो मांग भी कम हो जाएगी। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि मांग की धनात्मक आय लोच के आधार पर ही उन्होंने उद्घाटित अधिमान सिद्धांत में मांग के नियम को प्रतिपादित किया कि हमेशा उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो आप देखेंगे उसके पसंद अलग होता है, वो अच्छी चीज़ों को ज़्यादातर पसंद करता है और इसी आधार पर वो अपने पसंद को जाहिर करता है। इसलिए इसको उद्घाटित अधिमान या उद्घाटित पसंदगी का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर के शब्दों में, कोई भी वस्तु जिसकी मांग में केवल आय वृद्धि होने पर ही वृद्धि होती है और कीमत वृद्धि होने पर मांग में निश्चय ही संकुचित होता है। ठीक है, अगर मान लो आय में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग वृद्धि होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वस्तु की कीमत अगर वृद्धि होती है तब भी मांग में थोड़ी बहुत संकुचन होगा, लेकिन मांग में कमी नहीं होगी। संकुचन और कमी में थोड़ा फर्क पड़ता है। कोई वस्तु जिसकी मांग में केवल आय में कमी होने पर कमी होती है, कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में निश्चित रूप से विस्तार होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आय से जुड़ा हुआ है। देखिए, उपभोक्ता की आय के बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। वहीं पर आय की वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मांग में कमी जरूर होगी, और कीमत अगर घट जाए तो मांग में वृद्धि ही जरूर होगी। इसका मतलब ये हुआ उनके अनुसार कि वस्तु की आय मांग में सीधा संबंध होता है और कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ये सीधी बात है। इस आधार पर जो मांग वक्र होता है, यानी कि ए
और बी बिंदु, ये ऊपर से नीचे की ओर इसलिए होता है क्योंकि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में, सॉरी मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। और वहीं पर जब दो वस्तु की बात करते हैं, ये दोनों ही कीमत के आधार पर बनाई जाती हैं। अगर आय बढ़ गई, मान लो आय घट गई है, तो आय के कम होने से ए से ये डी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी से यहाँ आ जाएगा। अलग अलग प्रकार के आय और कीमत के आधार पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता चला जाता है, उसकी पसंद में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता अधिमान सिद्धांत के प्रमुख गुण क्या है, इसके कुछ गुण हैं क्योंकि ये वास्तविकता ज़्यादा समीप है। ये उपभोक्ता के मन को, उपभोक्ता के व्यवहार को वास्तविकता से ज़्यादा मापता है, इसलिए कह सकते हैं ये सिद्धांत है जो बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार के निरीक्षण के आधार पर व्यवहारवादी विश्लेषण पर, यहाँ पर उपभोक्ता के व्यवहार को डायरेक्टली समझा जाता है और एक व्यवहारवादी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जबकि यह नियम पुराने सिद्धांतों की व्यर्थ की मान्यताओं को नकार देता है कि ये इससे प्रभावित होता है, ये स्थिर होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं, तमाम बातों को ये नकारता है। उन्होंने कहा आय, रुचि यानी कि पसंद के आधार पर ही उपभोक्ता किसी वस्तु को, अगर ये परिवर्तन नहीं होगा तो उपभोक्ता चॉइस कैसे करेगा। इस नियम के निरंतरता की मान्यता का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है उपभोक्ता किसी भी चीज़ को लगातार उपभोग करता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, उसी आधार पर उपभोक्ता की पसंद में भी परिवर्तन होता रहता है। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत में अधिकतम उपयोगिता की मान्यता का भी प्रयोग, एक उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु से अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति करना चाहता है और अधिकतम उपयोगिता ही संतुष्टि का स्तर होता है और उपभोक्ता के व्यवहार के अधिक वास्तविक व्याख्या करता है। इसके अलावा इसके कुछ दोष भी हैं। ये सिद्धांत उपभोक्ता को व्यवहार में उदासीनता की संभावना की अपेक्षा करता है। उदासीनता, नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं एक उपभोक्ता अपनी आय के आधार पर जो संयोग बनाता है, हर एक संयोग उसके लिए क्या होता है, एक समान संतुष्टि प्रदान करता है, ये उदासीनता वक्र बताता है। जबकि सैमुएलसन का पसंदगी सिद्धांत में उदासीनता वक्र की कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं कही गई है। उद्घाटित सिद्धांत एक प्रतिबंधक है, सामान्य नहीं, ये प्रतिबंधक है, मतलब चीज़ें उपभोक्ता की पसंद तक सीमित हो जाती है, हम उसके आगे बढ़कर चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। यह नियम गिफिन की विरोधाभास की व्याख्या नहीं करता है, जबकि मांग के नियम में गिफिन के विरोधाभास की व्याख्या करता है कि मांग का नियम उस वस्तु पर लागू नहीं होता है, लेकिन इस नियम में कहीं पर भी सैमुएलसन ने गिफिन वस्तुओं के बारे में नहीं बताया। ये सिद्धांत दी गई कीमत आय स्थिति की धारणा भी गलत है, क्योंकि अर्थ है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा चुनाव करता है। यहाँ पर उपभोक्ता के बारे में ये कहा गया है वो अपनी आय को दो वस्तुओं के ऊपर व्यय करता है, जबकि कभी कभी हम देख सकते हैं उपभोक्ता किसी एक वस्तु का भी चुनाव कर सकता है। यह मांग सिद्धांत के कल्याणकारी उद्देश्य की अपेक्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली आय और किसकी बात किया, पसंद, हमने ये मान के चला पसंद के अनुसार वो वस्तु चूज करेगा, ऐसे में अपने आय का एक बड़ा भाग अपनी पसंद पर खर्च देता है, हम वास्तविक कल्याणकारी की बात नहीं मान, यहाँ पर ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इस आधार पर इस नियम के कुछ फायदे हैं, व्यवहारवादी है तो कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी है। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। ये पूरा पॉइंट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, नोट्स आपको दिए गए, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है मेरे पास, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू एंड बाय।